एट प्रेजेंट अभी जेई का अटेम्प्ट देने वाला है। किस किस को ऐसा लग रहा है बहुत सेचुरेशन आ रहा है सर, अब दिमाग में ना ज्यादा देर पढ़ने के बाद घुसता ही नहीं है दिमाग में, किस किसके साथ ऐसा हो रहा है? ये स्वाभाविक है बेटा, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नाइन्थ से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। देखो जो अपर एंड है, मैं पहले रियलिटी बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नाइन्थ से ही अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनके लिए सेचुरेशन भी आता है, लेकिन क्या होता है कि उतना स्ट्रेस के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीज़ें पहले पढ़ी होती हैं तो उनको इतना ज़्यादा लोड नहीं लग रहा। तो आप लोगों ने 11th में आने के बाद और वो भी धक्का दे दे के आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, तो आप थोड़ा सा डिलेड है। अब क्या होता है कि टाइम फ्रेम कंटेंट उतना ही है, टाइम फ्रेम कम है, तो जब आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश करते हैं तो नो डाउट सेचुरेशन आता है आपको, एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाती। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये सभी के साथ स्वाभाविक है, ये हर साल हर ड्रॉपर हर 11th हर 12th के बच्चे के साथ होता है। सिलेबस ही इतना बड़ा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। 9th 10th में ऐसा नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे की कैपेसिटी कम होती है तो उसमें भी सिचुएशन आता है, लेकिन यहाँ पर नो डाउट सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है। आपको इनको जिस समय पढ़ाया जा रहा है उस समय शिद्दत से पढ़ना है। मैं इतना बड़ा मतलब डेटा एनालिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं में जाते हैं या ड्रॉपर में जाते हैं और 11th के सेकेंड बुक के बेसिक्स तक नहीं जानते। आप उन जनसंख्या से आगे निकल सकते हैं अगर आप बेसिक्स को भी अपने साथ रखते हैं। जो एट प्रेजेंट अभी जेई का अटेम्प्ट देने वाला है, जिसने 12th में 11th के आखिरी बुक में ये सोच लिया यार मेरे को तो नहीं हो रहा, सिचुएशन आ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, जिसने छोड़ दिया होगा आज उसको फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना पड़ेगा, और जिसने थोड़ा सा भी स्ट्रगल करके फॉर्मूला शीट बना के 12वीं में बीच बीच में अपने फॉर्मूलेस को भी रिवाइज करा होगा वो कम से कम आगे निकल गया होगा। आज वही बच्चा जो उस समय सिर्फ फॉर्मूला छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रिकॉल कर पा रहा है वो आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा जब दूसरों को देखेगा, उनको सेकंड बुक के बारे में कुछ याद ही नहीं है। जिस बच्चे ने 9वीं या 10वीं क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उसने भी धीरे धीरे ही ग्रोथ लिया होगा, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, आप थोड़ा डिलेड है लेकिन यस उसके कंपेरिजन में आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी है, लेकिन करने का प्रोसेस वही है, ठीक है, ओके।